हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही अमेजिंग एंड थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटी एंड मेकअप हैक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा आप लोग के लिए, यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा या नहीं। बट या मैंने कुछ नया ट्राई किया है आप लोगों के लिए, कुछ हेल्पफुल आने की कोशिश की है, एंड मैंने ये लुक भी इन्हीं हैक्स को यूज़ करके क्रिएट किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कौन कौन से हैक आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल विद द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे बिना किसी कष्ट के। So without any further ado, let's get started. So ये है हमारा first hack. So lipstick को आप कैसे as a कलर करेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हो। सो मैंने यहाँ लिया है एक ऑरेंज लिपस्टिक एंड रेड लिपस्टिक। सो अगर आपके पास ऑरेंज है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो आप किसी रेड लिपस्टिक को भी यूज़ कर सकते हो। सो मैंने यहाँ लिपस्टिक को जो भी हमारे डार्क पिगमेंट्स एरिया है, जैसे कि हमारे अंडर ऑफ द आईज, क्योंकि वहाँ डार्क सर्कल्स होते हैं, एंड अराउंड माई माउथ्स, वहाँ आप यूज़ करो, एंड आप उसे अच्छे से ब्लेंड कर लो अपने फिंगर की हेल्प से, या फिर डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से उसे ब्लेंड कर लो। एंड ये आपके डार्क सर्कल्स को एंड पिगमेंट्स जो भी है उसे बहुत ही अच्छे से हाइड। सो इसके रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो नाइस हैक। सो बढ़ते हैं अपने सेकेंड हैक की तरफ। तो नेक्स्ट हैक जो है वो है फाउंडेशन हैक। सो ये हैक सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिनकी स्किन ड्राई है, एंड जिनके पास मैट फाउंडेशन है, या फिर जिनका फाउंडेशन लगाने के बाद जो है स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है, बहुत खिंची सी हो जाती है, फाउंडेशन बहुत पैची हो जाता है, क्रैक हो जाता है। सो ये हैक उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये फिट मी का मैट पोलिश फाउंडेशन। सो ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए, ये ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है, बट मेरी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है। तो मैं इसे कैसे अप्लाई करती हूँ एंड इसे अप्लाई करने से मेरी स्किन ड्राई क्यों नहीं होती है, ऐसा चलिए मैं आपको बताती हूँ। सो इस हैक के लिए हमें यूज़ करना है ये एलोवेरा जेल, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। सो आप अपने फाउंडेशन को ले लीजिए एंड देन उसमें ऐड कर लीजिए एलोवेरा जेल, ज़्यादा नहीं, बस आपको थोड़ा सा ऐड करना है, एंड देन मिक्स इट वेल। सो आप चाहो तो इसमें कोई भी फेशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हो, बट फेशियल ऑयल आपको पता है कि वो ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं आते हैं, कुछ अफोर्डेबल आते हैं बट वो सही नहीं होते हैं, और आप अगर अच्छी क्वालिटी के फेशियल ऑयल यूज़ कर रहे हो तो वो अफोर्डेबल नहीं होते हैं उतने, जिसे आप हर टाइम फाउंडेशन में मिक्स करके यूज़ करो। बट एलोवेरा जेल जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल आते हैं, आप लोगों को पता ही है। सो आप इसे यूज़ कर सकते हो, एंड इसे ऐसे हमें मिक्स कर लेना है, एंड देन आपको अप्लाई करना है, देन टेक योर फाउंडेशन ब्रश एंड ब्लेंड इट। तो आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग कितनी ग्लॉसी आ रही है। मैंने कहा था ना, बहुत ही अच्छा हैक है ये, बहुत ही यूज़फुल हैक है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो गाइज़ आप देख सकते हो ये हैक कितना वर्क करता है, कितना अच्छा आपको रिजल्ट देता है। सो आई लव दिस हैक, एंड मैं ऑलमोस्ट जब मैं ये फाउंडेशन यूज़ करती हूँ किसी वीडियो में, या मैं अपने डेली एंड मैं कहीं भी यूज़ अगर इस फाउंडेशन को करती हूँ कहीं जाने के लिए, सो मैं यही हैक यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करती हूँ देन अप्लाई करती हूँ, जो रिज़ल्ट आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो या तो नेक्स्ट हैक इज़ ब्लश हैक। सो समटाइम क्या होता है कि आप जब ब्लश अप्लाई करते हो तो कभी कभी बहुत ज़्यादा लग जाता है, पार्टी वार्टी में जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा लग जाता है।
सो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सो आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करके उसे कम करने की कोशिश करते हो बट समटाइम ऐसा नहीं होता है. सो उसके लिए आप एक कॉम्पैक्ट लो, जो भी आपके पास पाउडर कॉम्पैक्ट है आपका फेवरेट, उसे आप अपने ब्लश पे अप्लाई करो एंड अच्छे से ब्लेंड करो. वो आपके ब्लश को बहुत ही हद तक रिड्यूस कर देगा एंड जितना आपको उसका पिगमेंट चाहिए वो आपको उतना देगा. आप डिफरेंस दे सकते हो एंड ये हमेशा वर्क करता है गाइस. सो फोर्थ हैक है विंग आईलाइनर हैक. आप विंग आईलाइनर कैसे लगा सकते हो बिना किसी एफर्ट के, उसके लिए आपको लेना है इस तरह का एक कार्ड एंड एक आईलाइनर लेना है जो कि बहुत ज़रूरी है. उसे इस तरह से अपने विंग एरिया पे जहाँ पे आपको विंग ड्रॉ करना है वहाँ रखना है एंड अपने आईलाइनर को वहाँ अप्लाई करना है. जितना भी आपको विंग ड्रॉ करना है, जितना लंबा चाहिए आपको ड्रॉ करना है एंड फिर उसे ज्वाइंट कर लेना है अच्छे से. ये एफर्टलेस हैक है गाइस, इसमें आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगेगा. आप आराम से विंग आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो ना. हम सबको पता है कि गर्ल्स को विंग आईलाइनर कितना पसंद होता है, वो आपके सिंपल लुक को भी इन्हांस कर देता है. सो आपको सिंपली अप्लाई करना है एंड उसे फिल कर लेना है. सो यार दिस हैक इज़ रियली अमेजिंग हैक, बहुत ही यूज़फुल हैक है स्पेशली फॉर अ बिगनर्स. आप लोग ज़रूर ट्राई करें एंड आप देख सकते हो गाइस कितना ईजिली अप्लाई हो गया मेरा लाइनर एंड लुक एट द विंग गाइस, कितना अमेजिंग लग रहा है. I love it. I totally love it. So yeah, this is amazing. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ, फिफ्थ हैक की तरफ. सो उसके लिए अगेन हमें लेना है इस तरह का एक कार्ड एंड ये हैक है एक्चुअली कॉन्टोर हैक. सो इस कार्ड को आपको अपने जो ईयर जो आपका स्टार्ट होता है वहाँ से अपने माउथ का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वैसे एकदम टेढ़े में ऐसे रखना है ताकि आपका जो कॉन्टोरिंग है वो अच्छे से अप्लाई हो. सो बेसिकली हम सबको जो हलो ऑफ द चिक्स पे जो हम लोग कॉन्टोर करते हैं वो हमें शार्प चाहिए होता है, प्रो की तरह चाहिए होता है. बट उसके लिए पहले कॉन्टोर करो, फिर उसे पाउडर से उसे क्लीन करो, शार्प करो, तो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, तामझाम हो जाता है. तो बट आप ये हैक ट्राई करके बहुत ही ईजिली डायरेक्ट एक शार्प सा कॉन्टोर कर सकते हो. सो मैं आपको दोनों साइड डिफरेंस दिखाती हूँ, उस तरफ मैंने हैक ट्राई किया एंड इस तरफ मैंने हैक ट्राई नहीं किया है. सो आप देख सकते हो जिस तरफ मैंने हैक ट्राई किया वो शार्प एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड जिस तरफ मैंने नहीं किया वो बहुत ही पैची सा लग रहा है, उसे हमें क्लीन करना होगा पाउडर से. सो इसी में मैं आपके साथ नोज कॉन्टोर हैक भी शेयर कर रही हूँ. सो आपको सिंपली टू फिंगर्स पे अपने कॉन्टोर पाउडर को या कॉन्टोर क्रीम कॉन्टोर को लेना है एंड जो आपका आईज़ के ऊपर का जो पार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट करते हुए आपको पूरे नोज़ पे एक लाइन स्ट्रेट खींचना है एंड ब्लेंड कर लेना है ईजिली. आप देख सकते हो कितना एफर्टलेस एंड ऑल्सो बिगनर फ्रेंडली है. सो बढ़ते अपने सिक्स्थ हैक की तरफ. सो ये है बेसिकली लिपस्टिक हैक. सो उसके लिए फर्स्टली हमें लेना है लिप बाम. सो आपके पास कोई सा भी लिप बाम हो आप उसे अपने लिप्स पे अप्लाई करो सिंपली. सो मैंने अप्लाई कर लिया है. देन आपको लेना है एक आई शेडो पैलेट. सो किसी भी कलर को, किसी भी आई शेडो पैलेट से किसी भी शेड को लेके आपको अपने लिप्स पे अप्लाई करना है एज अ लिपस्टिक. सो समटाइम क्या होता है हमारे पास कुछ कलर्स होते हैं, कुछ कलर्स नहीं होते हैं एंड हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है. सो उस सिचुएशन के लिए आप किसी भी आई शेडो पैलेट को उठा के उसमें से जो कलर आपको चाहिए हो वो कलर लो एंड अप्लाई कर लो. एंड ये हैक लिटरली वर्क करता है. मैंने निधि कटियार से इंस्पायर्ड होकर ब्लैक मोनोक्रोम मेकअप किया था, उसे मैंने ब्लैक लिपस्टिक जो अप्लाई किया था मैंने यही किया था, मैंने यही हैक ट्राई किया था एंड मुझे उस टाइम भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे. एंड आप देख सकते हो ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैंने कोई आई शेडो अप्लाई किया, ये लिपस्टिक जैसा ही लग रहा है. सो या गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोग को ये हैक्स पसंद आए होंगे, आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा ये वीडियो. और आप देख सकते हो जितने भी मैंने हैक्स ट्राई किए हैं सबके रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छे मिले हैं, चाहे वो आई लाइनर हैक हो या फाउंडेशन हैक हो. एंड सबसे बेस्ट है ये लिपस्टिक हैक. सो आप देख सकते हो मैंने ब्राउन लिपस्टिक क्रिएट किया है आई शेडो को यूज़ करके. सो यह ऑल हैक्स आर माई फेवरेट एंड सो यूज़फुल. सो एंड आप लोग को इसमें से कौन से हैक ज़्यादा हेल्पफुल एंड अच्छे लगे हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. एंड इस तरह के ब्यूटी हैक्स वीडियो आप लोगों को और चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आप लोग के लिए और मेकअप हैक्स वीडियो लेके आऊँगी जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक.